अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ पीनट चिक्की बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो उसके लिए यहां पर मैंने 200 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है और कप के हिसाब से ये 1.5 कप मूंगफली है। तो ये जो कच्ची मूंगफली है तो इसे हमें सबसे पहले भून लेना है अच्छी तरह से। तो बाज़ार में भुनी हुई मूंगफली भी मिल जाती है, अगर आप भुनी हुई मूंगफली ले रहे हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें, या फिर अगर आप मेरी तरह कच्ची मूंगफली का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे पहले अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसे रोस्ट कर लेने से चिक्की का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। गैस की फ्लेम हमें हाई नहीं रखनी है, इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से भूनेंगे। तो चलिए, ये सारी मूंगफली हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये सारी मूंगफली मैंने एक प्लेट में निकाल ली है, इसे अब हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसे हम हाथों से मसल कर इसके सारे छिलके रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये सारी मूंगफली के छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं और ये जो मूंगफली है इसे मसलने की वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड भी हो गई है। तो इसे अब हम रख देते हैं साइड में। और यहाँ देखिए, ये मैंने एक फ्राई पैन में 2 चम्मच खाने के देसी घी डाल दिया है और ये जैसे ही थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ये गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ की क्वांटिटी है 250 ग्राम, और कप से अगर मेजरमेंट करें तो ये होगा 1 कप और 1/4 कप। तो इस गुड़ को हमें लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेना है और पानी हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो फिर हमें इसे बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा और फिर गुड़ जो है वो जल भी जाएगा, तो इसलिए हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर आराम से इसे हम मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, गुड़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो बस इसी तरह से हमें इसे आराम से लो फ्लेम पर मेल्ट करते जाना है। तो अब देखिए, ये जो सारा गुड़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इस गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पर ही इतना पकाना है कि ये जमने की कंडीशन में नहीं आ जाता, इसका कैरेमल जो है वो रेडी नहीं हो जाता, इतना हमें इसे पका लेना है। तो ये जो गुड़ है हमारा अच्छी तरह से पक गया है, यानी कि ये कैरेमल की शक्ल में आ गया है। ये कैसे मालूम होगा? तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, तो ये एक छोटी सी प्याली में हम पानी ले लेंगे और उसमें ये कैरेमल को हम डालकर चेक कर लेंगे। तो अगर ये पानी में जाने के बाद हार्ड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये कैरेमल हमारा तैयार हो चुका है। तो इसे अब हम पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो गुड़ है ये पानी में डालने के बाद थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा नरम ये लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस गुड़ को हमें थोड़ी देर के लिए और पकाना है। तो गुड़ को थोड़ी देर पका लेने के बाद अब हम इसे दोबारा से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये अब जो है थोड़ा कड़क हो गया है, ये जमने की शक्ल में आ गया है। तो अब हम इसमें सारे पीनट्स, सारी मूंगफली हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे हम कैरेमल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये सारी मूंगफली जो है वो कैरेमल में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जहाँ पर भी आपको चिक्की को फ्लैट करना है तो उस जगह पर आप पहले ऑयल को ग्रीस कर लेंगे। तो इसे ग्रीस करने से ये होगा, जब चिक्की सूख जाएगी और हम उसे निकालेंगे तो फिर ये तले में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, तो ये ऑयल लगाने की वजह से वो आराम से निकल जाएगी। तो ये ग्रीसिंग हमारी हो चुकी है, तो इसे अब हम इस पर डाल देते हैं। और इसके बाद ये हम बेलन लेंगे और इसे भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो बेलन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेने के बाद इससे हम चिक्की को फैला लेंगे, इससे हम फ्लैट कर लेंगे अच्छी तरह से चिक्की को। तो जितनी आपको इसकी मोटाई रखनी है उस हिसाब से आपको चिक्की को फैला लेना है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने चिक्की को अच्छी तरह से फैला लिया है, इसे फ्लैट कर लिया है मैंने। तो इसके जमने से पहले ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे एक चाकू की मदद से स्क्वायर शेप में काट लेना है। तो ये सारा प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये अगर ठंडी हो जाएगी तो फिर ये जम जाएगी। ये जम गई तो फिर आपको इसे काटने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैं इसे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, अगर आपको इसे किसी और शेप में काटना है तो फिर आप इसे किसी और शेप में काट लें। तो जैसी भी शेप में आपको इसे काटना है बस इसे आपको फटाफट से काट लेना है। और फिर इसके पीसेस काट लेने के बाद हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो ये जमकर हार्ड हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए पीनट्स चिक्की को मैंने चाकू से काट लिया है, तो इसे अब हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये पीनट्स चिक्की हमारी ठंडी होकर जम चुकी है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी गुड़ से बनी हुई बहुत ही मज़ेदार पीनट्स चिक्की। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी चिक्की की रेसिपी कैसी बनी है। तो आप ये इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, तो देखिए ये कितनी खस्ता कितनी हार्ड ये बनी है। तो रेसिपी पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ, फरहीन को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।